कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीरभद्र सिंह ने प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष मनीष ठाकुर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वीरभद्र सिंह ने प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष मनीष ठाकुर पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने के आरोप लगाए हैं। वीरभद्र सिंह ने कहा है कि युवा कांग्रेस अध्यक्ष ने विधानसभा चुनावों में पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी को हराने का काम किया था। युवा कांग्रेस जैसे महत्वपूर्ण संगठन में अध्यक्ष पद पर इस तरह के नेताओं का होना संगठन के लिए घातक है और वीरभद्र सिंह ने इस विषय को लेकर आला कमान से भी बात करने की बात कही है। मनीष ठाकुर ने हमीरपुर के विधायक राजेंद्र राणा के बेटे युवा कांग्रेस महासचिव को हाल ही में बर्खास्त किया था। वीरभद्र सिंह ने पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ताओं को ऐसे नेताओं द्वारा हाशिए पर धकेलने को भी गंभीर विषय बताया है। लॉर्ड महावीर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल दतवल नालागढ़ मॉडर्न वेल इक्विप्ड ओटी आईसीयू इमरजेंसी लिथोट्रिप्सी एंड फैसिलिटी फॉर ऑल टाइप ऑफ जनरल सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी गायने सर्जरी एंड अदर सर्जरी आल्सो। नए प्रेसिडेंट बने हिमाचल प्रदेश कांग्रेस से, उनको चाहिए, उनसे उम्मीद करते हैं कि जो पीछे गलतियाँ हुई हैं उनका सुधार होना चाहिए। जैसे कि अब यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट बने हैं, ऐसे व्यक्ति बने हैं जिन्होंने गणेश जंग जो हमारे कैंडिडेट थे कहाँ से पोंटा साहब से, उसने कोई 30-40 लड़कों का गैंग बनाया और उनको हराया। उसमें कुछ और कांग्रेस भी हार रहा और आज जो आदमी कांग्रेस के अधिकृत कैंडिडेट को हराता है और आज वो यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट बन जाए, वो शर्म की बात है। पार्टियां असूत पर बनती है, प्रिंसिपल पर बनती है, अनुशासन पर बनती है। जिसने अभी हाल के इलेक्शन में ही किसी मोर्चा लगाकर जो है किसी कैंडिडेट को हराया हो और वो यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट बने, ये शर्मनाक बात है। मेरा उसे कोई द्वेष नहीं है, मैं उसको जानता भी नहीं हूँ, मगर ऐसे आदमियों को आगे लाना बहुत गलती है, पार्टी की कमजोरी है। उसके लिए मैं कांग्रेस हाई कमांड को भी जिम्मेवार समझता हूँ। शिमला से योगराज शर्मा की रिपोर्ट।